स्टार्ट। चलो तो अब ठीक है, माइक की कोई दिक्कत, आवाज़ आवाज़ प्रॉपर आ रही है? इशिता, अब यहाँ पे आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं, बताएं अपने कमेंट्स भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। चैट अपन ने चालू कर दी है, जो भी कोई भी दिक्कत हो आप सीधा पूछ सकते हो, ठीक है? चलो थोड़े दिन के बाद में, एक दो दिन के बाद में वापस से वो भी चालू कर देंगे कि वन टू वन इंटरेक्शन, है ना? तो मैं क्या बोल रहा था, इतनी बढ़िया सुविधा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, डायरेक्ट बच्चों से कनेक्ट हम हो पा रहे हैं यहाँ पे। अब जितने भी बच्चे आ रहे हैं सबको क्या कर दो, अलाउ कर देना, है ना? वहाँ पे क्रॉस पे साइन, क्रॉस पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर इधर 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 इधर, ये पीपल्स आ रहा है ना, वरना आपको वो दिखेंगे नहीं। अरे इस पर क्लिक करो, वरना आपको वो दिखेगा नहीं जो आएंगे बच्चे, है ना? और सबको एडमिट करते जाना, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। तो पिछली क्लासेस में आपने क्या देख लिया था? पिछली क्लासेस में आप देख चुके हैं कि एक तरीके से मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट अपन कर चुके हैं, और अब हम मोल कॉन्सेप्ट के मिडिल ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है? चलो जी देखते हैं आगे, आ जाओ। क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, है ना? अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन की हम बात करें तो जैसे मैं बोलता हूँ आपके सामने कि CH4 लिखा हुआ है, ठीक है? मिथेन का फॉर्मूला है। अच्छा, मिथेन के फॉर्मूले में आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर एक तो मुझे एक कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है, और चार मुझे क्या नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक कार्बन नज़र आ रहा है तो, और एक कार्बन का मास कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 12 AMU होगा, एक मोलिक्यूल बोला है तो हमने, है ना? और ये कितना होगा, 4 AMU होगा। अच्छा, ओवरऑल यदि मास देखा जाए तो कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे सर 16 AMU आ गया इसका मोलिकुलर मास, क्लियर है? अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं इस 16 AMU में से कार्बन का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर कार्बन का परसेंट यदि निकालेंगे तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई विद 100, कितना आएगा ये, 75% आएगा। यदि मैं आपसे पूछूं परसेंटेज हाइड्रोजन निकालूं, तो वह कितना आएगा बताओ मुझे, 4/16 मल्टीप्लाई विद 100, ये कितना आ चुका है, 25% आ चुका है, है ना? दोनों का टोटल हमेशा 100 होगा, है ना? तीन आ गए तो तीनों का 100 होगा, क्लियर है इतनी बात? बताओ सही है माहौल? यानी कि सर परसेंटेज कंपोजिशन जो आपने निकाला है वो एक्चुअली है क्या, वो एक्चुअली मास का कंपोजिशन है ना, मास कितना परसेंट मास डिवाइड हो रहा है ना, कार्बन में कितना, कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है मास में, हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है ना? तो परसेंटेज मास कंपोजिशन कुछ भी नहीं है, परसेंटेज कंपोजिशन की हम बात करें तो ये मास कंपोजिशन ही है ना, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उन सबका, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि यार एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3COOH, CH3COOH, आपसे यदि यहाँ पे पूछा जाए कि सर कार्बन कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर दो तो कार्बन हैं। अच्छा, ऑक्सीजन कितने नज़र आ रहे हैं, दो ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, दो ऑक्सीजन हो गए, दो कार्बन हो गए। अच्छा, हाइड्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं, चार हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक कार्बन का मास कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 12 AMU, तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा भाई, 24 AMU, ठीक है। अच्छा, एक ऑक्सीजन का कितना, 16, तो दो ऑक्सीजन हो गए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 32 AMU, कितना हो जाएगा, 32 AMU, है ना, ये 24। अच्छा, चार हाइड्रोजन का पूछे जाए तो 4 AMU हो गया। अच्छा, टोटल करेंगे कितना होएगा, 28 + 32 बोले तो कितना हो चुका है, 60 AMU हो चुका है, कितना हो चुका है भाई मेरे, ये 60 AMU हो चुका है, क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास आया है, इसमें कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है, कार्बन के मास का कितना कंट्रीब्यूशन है, मास वाइज देख रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कार्बन का परसेंट कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर कार्बन का जो मास है 24 डिवाइड कर देंगे 60 से, टोटल मास मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, 10 से 10 काट लो, ये कितना जाएगा, 40% आएगा, कितना आया ये, 40%। अच्छा, आप मुझे बताओ हाइड्रोजन का कितना आएगा, परसेंटेज हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन देखो कितना है, 4 है, ठीक है। अच्छा, टोटल कितना है, 60 × 100, पक्की बात है, कर लेंगे इसको, है ना, कितना जाएगा यहाँ पे, जो भी आएगा पॉइंट्स में आ रहा है ना। परसेंटेज यदि ऑक्सीजन निकालते हैं तो ये कितना आएगा, तो परसेंटेज ऑक्सीजन देखो 32 / 60 × 100, ठीक है, ये भी जो पॉइंट्स में आने वाला है 6.66 शायद ये आएगा, है ना, उसको देख लेना आप, क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, है ना। अभी अपन कौन सी चीज़ कर रहे हैं कि सर आपको आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है, मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, उससे आप क्या निकाल रहे हो, उससे आप निकाल रहे हो क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। अब अपन इसको रिवर्स करते हैं,
यदि आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या उससे उसके फॉर्मूले का आइडिया लगा सकते हो क्या? अरे हाँ कि नहीं, पक्की बात है, बढ़े आगे। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, है ना, और वो चीज़ हम किस में देखेंगे? अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, है ना, ग्लूकोज वाला भी देख लो, ग्लूकोज वाला इसमें देखो, ग्लूकोज की हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है ना, और ये 6 ऑक्सीजन है ना, इसको कर सकते हो आप, है ना। तो ये आपका होमवर्क है ना, आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ग्लूकोज में, यूरिया में और N2O5 में, इसको एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। चलो तो अगली में बात क्या कर रहा था कि सर मॉलिकुलर फॉर्मूला किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे, है ना, और इसी के साथ में एसोसिएट क्या रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला की। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या शो करता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात करें, इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल, इट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे लिख लो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल C6H6 लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का फॉर्मूला है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये बेंजीन का फॉर्मूला क्या दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे सर बेंजीन का फॉर्मूला ये दिखाता है कि इसके अंदर 6 तो कार्बन है और 6 ही क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपके लिए आप क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। अच्छा मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा इसका बताओ मुझे फटाफट से, हाँ तो आप बोलेंगे सर ये कितना निकलने वाला है, 78 AMU, कितना निकलने वाला है, 78 AMU निकलने वाला है, पक्की बात है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है CH3COOH, किसका फॉर्मूला है, सर एसिटिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसके अंदर आप क्या निकालोगे, मोलिकुलर मास निकालोगे, और ये कितना आता है, ये आता है 60 AMU, कितना आएगा मेरे भाई, 60 AMU आ गया, पक्की बात है ना, करके देख लेना कैलकुलेट, ये आने वाला है ना, 24 + 4 = 28, अभी निकाला ही था थोड़ी देर पहले अपन ने, है ना। अच्छा यदि मैं बोलता हूँ ग्लूकोज की बात करते हैं, क्या होता है, C6H12O6, सर ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर इसके अंदर 6 तो कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। यदि मैं इसके लिए मोलिकुलर मास लिखना चाहूँ कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे ये कितना आने वाला है, 180 AMU आने वाला है, पक्की बात है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है कितने, है ना, ये वाली चीज़ें शो कर रहा है। अच्छा यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझते हैं, इट शोज दी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट जो एटम्स हैं, उनके सिंपल रेशियो को बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया C6H12O6। अच्छा यदि इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर वैसे तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा इसका मोलिकुलर मास कितना निकल के आएगा बताओ मुझे। अच्छा मोलिकुलर फॉर्मूला किसका है, ये बेंजीन का है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, सॉरी ग्लूकोज का, है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अच्छा इसका मोलिकुलर मास कितना आता है C6H12O6 का, तो हम बोलेंगे सर इट विल बी 180 AMU, ठीक है। अच्छा
यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि भाई मेरे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम्स का रेशियो बताओ, तो बताओ मुझे कितना रहेगा? 6:12:6, 6:12:6। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई करो कितना आएगा ये? 1:2:1, पक्की बात है। अच्छा, इससे अब आप क्या करोगे? यहाँ पे अपन क्या बना चुके हैं सर? आप यहाँ पे एक सिंपल रेशियो बना चुके हो, ठीक है। अच्छा, सिंपल रेशियो यदि बन चुका है और यदि मैं ये सिंपल रेशियो बना हुआ है, इसी को यदि मैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मान लूँ तो बात बन जाएगी। तो क्या होगा? कार्बन कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यदि इसी को सिंपलेस्ट रेशियो को ही मान लिया जाए तो कितना निकल के आएगा? तो आप बोलेंगे सर इट इज CH2O। क्या निकल के आएगा? CH2O, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है? दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का। मॉलिकुलर फॉर्मूला का क्या निकलता है? मॉलिकुलर मास निकलेगा, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्या निकलेगा? एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। बताओ कैलकुलेट करो कितना आएगा इसका मास, कैलकुलेट करो। 12 इसका, 2 इसका, कितना हो गया? 14। 14 + 16 कितना हो गया? 30 हो गया। कितना आ चुका है? 30 AMU। क्या मेरी बात आप समझ चुके हो? क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH के बारे में। अच्छा, CH3COOH है क्या? तो हम बोलेंगे सर दिस इज दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ, दिस इज दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका मोलिकुलर मास कितना होगा mm, तो ये कितना आएगा? 60 AMU। ये आता है ना भाई, अभी थोड़ी देर पहले किया था। अच्छा, आप मुझे एक बात करके बताओ, यदि मैं यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो लेता हूँ तो कितना आएगा बताओ? कार्बन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन कितने आए भाई मेरे? ऑक्सीजन 2 आए। सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ चुका है? 1:2:1 आ चुका है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो आ चुका है। अब कहने का मतलब क्या था कि जो सिंपलेस्ट रेशियो बना है, अब ये सिंपलेस्ट रेशियो क्या इंटीजर में होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि आप पॉइंट्स में डेसिबल में ले जाओ इसको, फ्रैक्शन में ले जाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है ना। अब ये सिंपलेस्ट जो रेशियो बना है एटम्स का, इसी को मैंने यदि 1 को यदि कार्बन के एटम मान लूँ, हाइड्रोजन के एटम किसको मान लूँ मैं? 2 को मान लूँ, ऑक्सीजन के 1 को मान लूँ, तो आप मुझे बताओ यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा आपका CH2O। ये क्या, ये जो फॉर्मूला है ये क्या आपको एक्चुअल नंबर दे रहा है क्या? नहीं, ये जो फॉर्मूला है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला ऑफ किसका है भाई मेरे? एसिटिक एसिड का है ना, ऑफ एसिटिक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए क्या निकालते हैं हम? सर EM निकालेंगे, एम्पिरिकल मास। बताओ भाई मेरे कितने आ रहा है ये, कितना आ रहा है? 12 और 2 14 कितना हो गया वापस से? 30 AMU। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई दो अलग अलग कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या? दो अलग अलग कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या बताओ? हो सकता है। देखो एसिटिक एसिड का कितना आया? CH2O। उसके पहले देखो ग्लूकोज का कितना आया? CH2O। सेम ही तो है, अलग कहाँ है? कहीं पे अलग नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो ये सेम हो सकता है ना। तो अगला पॉइंट नोट करके लिख लेते हैं हम ये वाली चीज़ें। टू कंपाउंड्स मे हैव
सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगला चीज देखो, यदि मैं आपसे पूछूं क्या कोई दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या, अरे है कि नहीं बोलो, क्या कोई दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? जवाब आ रहा होगा दिल से कि नहीं होगा, नहीं हो सकता है सर, यदि सेम हो गया तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। यही तो चीज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन यही है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कैसे, जैसे मान लो कार्बन की एक सीरीज है ये वाली, अब इस वाले कार्बन को मैं यहाँ से हटा करके, इस वाले कार्बन को यदि मैं यहाँ से हटा करके यदि यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फॉर्मूला तो वही है ना। अभी कार्बन की चेन कितने की है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं अभी फॉर्मूला में, है ना, और फॉर्मूला सेम ही निकलने वाला है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टू कंपाउंड्स मे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला कहाँ पे नज़र आता है, एग्जांपल देख लेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये याद रह जाएगा थोड़ा सा, है ना, आइसोमेरिज्म के अंदर अपन ये पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा तीसरा स्टेटमेंट ये है, क्या एक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या, है ना। अ कंपाउंड, जो एक कंपाउंड रहेगा है ना, इकलौता कंपाउंड, उसका क्या मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? यस, ये भी हो सकता है। कैसे बताता हूँ, अ कंपाउंड पहले लिख लेते हैं, मे हैव सेम एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे करेंगे बताओ मुझे, इसके एग्जांपल बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये लो, जैसे मैंने मान लिया मेथेन है CH4, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, 1:4। इसको क्या और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि यही क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मिथेन, यही क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला है और यही क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला है, है ना। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका, दो कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, दो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है, और कोई भी दो एक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं अब एक एग्जांपल की तरफ लेके चल रहा हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि से ग्लूकोज की अपन ने बात की थी, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, ये क्या था, तो हम बोलेंगे सर दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसका मोलिकुलर मास कितना निकल के आया था, तो हम बोलेंगे दिस इज 180, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज के एम्पिरिकल फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो ये कितना आया था CH2O, ये क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका एम्पिरिकल मास कितना आया था बताओ मुझे, कितना आया था यहाँ पे, ये 12 और 2 14 14 और 16 30 30, है ना, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, नंबर क्या है एन, नंबर क्या है एन, एन क्या होगा, दिस इज मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है। नंबर क्या है एन, ये क्या है मोलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा नंबर है, ये नंबर है कौन सा, देखो यदि यहाँ पे इस एग्जांपल से देखो 180 है ना, 180 है ना, जैसे इस वाले के लिए लेके चलूँ मैं, इसके लिए कितना आ रहा है मोलिकुलर मास 180 अपॉन कितना आएगा 30, बोले तो नंबर कितना आ गया एन इज इक्वल टू 6। और ये याद रखना है, ये जो रहेगा ऑलवेज इंटीजर, क्या रहेगा ऑलवेज इंटीजर, यदि ये इंटीजर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आप कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या रहेगा इंटीजर रहेगा, क्लियर है ना। अच्छा, अब ये जो 6 है ना, ये क्या है, ये एक्चुअली वो नंबर है जिससे आपने इसको सिंप्लीफाई किया था, वापस से आओ, किसका ग्लूकोज का, क्या ये देखो
यहाँ पे जो ये रेशियो था, आपने इसको किससे सिंप्लीफाई किया है, 6 12 6 को, 6 से तो सिंप्लीफाई किया है, यानी 6 से आपने इसको काटा है ना। तो ये वो एन वही नंबर है, और उस एन को कैसे लाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर मोलिकुलर मास में हम इंपेरिकल मास से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, यदि इस एन को मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दूँ, यदि इस एन को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इफ़ एन इज मल्टीप्लाई विद एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। कैसे देखेंगे, इधर देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि ग्लूकोज के लिए, फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो कितना आया, CH2O आया, है ना। और इसके लिए मोलिकुलर मास मुझे बताए कितना होता है, बताओ मुझे, 180 होता है ना। और इसके लिए एम्पिरिकल जो मास होता है वो कितना होता है, कितना होता है, 30, है ना, 30। अच्छा आप मुझे बताओ यहाँ से n कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर n इज इक्वल टू 180 अपॉन 30, कितना आ चुका है, 6 आ चुका है, यानी कि जो आपका मैजिकल जो नंबर है, यानी कि जो आपका विचित्र प्रकार का जो मैजिकल नंबर है वो कितना आ चुका है, 6 आ चुका है ना। और अभी थ्योरी क्या बोली थी मैंने कि इस नंबर को यदि मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दूँ, यदि इस नंबर को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाना चाहिए, है ना। यानी कि जो CH2O रहेगा, ठीक है, CH2O, उसको मैं इस 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ये कितना दे रहा है मुझे बताओ, कितना आंसर दे रहा है, ये देगा, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो कार्बन के नीचे 1 है ना, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, C6। हाइड्रोजन के नीचे कितना है, 2 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12, ओके, नीचे क्या आ जाएगा, 6। यानी कि ये कितना हो चुका है, दिस इज C6H12O6। और यही तो आपका क्या था, यही तो आपका क्या था, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्या मेरी बातें समझ में आती है आपको, इतनी सही है, बोलो बोलो बोलो, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई, जो ये पढ़ाया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, सिंपल यही याद रखना है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो तो क्या दिखाता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मोलिक्यूल, है ना। और जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या शो करेगा, सही है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, क्या बताता है, ये सिंपलेस्ट रेशियो, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं भैया जी, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे, ठीक है भाई, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। अब अगली चीज जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि अब यदि आपको मास परसेंटेज दे दिया जाए, है ना, मास परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाए, तो उससे आप मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का आइडिया कैसे लगाओगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिले, टाटा बाय बाय, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूक्लियन कोटा। बच्चों, न्यूक्लियन कोटा आपके लिए लेकर के आया है सारथी फेज 2। इस कोर्स में आपको मिलने वाली है कोटा से डेली लाइव क्लासेस, जिनको कोटा की जो एक्सपर्ट टीम है वो लेने वाली है। यह क्लासेस जूम पर लाइव होने वाली है, जिसमें आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू अपने टीचर से बात कर सकते हैं। हर क्लास में आपको होमवर्क दिया जाएगा, और होमवर्क जो रहेगा वह डीपीपी और शीट जो रहेगी उनमें दिया जाएगा। डीपीपी और शीट आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगी, और अगले ही दिन जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें जो होमवर्क दिया हुआ है उसको डिस्कशन कराया जाएगा। इस क्लासेस के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। यदि किसी की लाइव क्लासेस छूट जाती है या आपका टाइम सेट नहीं हो पा रहा है लाइव क्लासेस के टाइम पे, तो आप इसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपके रिवीजन के लिए भी थोड़ी सहायता करेगी। हर टॉपिक के बाद में उसका एक वन शॉट रिवीजन लेकर के आया जाएगा, और वन शॉट के बाद में
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मेन और जेई एडवांस के, वो कराए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, बिल्कुल कोर कंटेंट है बच्चों ये आईआईटी का। हर 21 दिन के बाद में आपका एक यूनिट टेस्ट होगा जो जेई पैटर्न पे रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा। ये टेस्ट पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाला है, जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। तो बच्चों न्यूक्लियन आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे कोटा से लाइव क्लासेस दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से एनरोल कीजिए, हमारी वेबसाइट नीचे दी हुई है। और यदि आप चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, और आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर इस प्रकार से कोर्स परचेस कर सकते हैं। आपको गूगल में टाइप करना है न्यूक्लियन लाइव, आपको हमारी साइट नजर आ जाएगी nucleonlive.com। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा जो कि ज्वाइन नाउ का है। आपको सिंपली ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारी साइट पर आए हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी मेल आईडी डालनी है, फोन नंबर डालना है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डालना है। बच्चों व्हाट्सएप नंबर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप नंबर डालेंगे तो आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप में ही क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दी जाएगी, और जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाली है। उसके बाद में आप अपना पासवर्ड चुन सकते हैं। उसके बाद में जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी जैसे जेई एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो जेई सेलेक्ट कीजिए, अपनी क्लासेस को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, 11, 12 और 13 जिसमें भी आप हैं, और उसके बाद में साइन अप कर दीजिए। जैसे ही आप साइन अप करेंगे उसके बाद में आपके पास में पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको प्राइस नजर आ जाएगी 999 रुपीज। और ये जो पेमेंट है आप यूपीआई के थ्रू, आप चाहे तो फोन पे के थ्रू, आप चाहे तो पेटीएम के थ्रू, या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी कीजिए और फटाफट से एनरोल हो जाइए।